सब्सक्राइब करो पंजाबी रियल टीवी ट्रेलवी नप दो नप दो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमेश सिंह एंड शी इज दलप्रीत कौर। सत श्री अकाल। सो गाइस, व्हाट्स अप, की हाल चाल है तुम्हारे? सब ठीक हो? बहुत थैंक्स फॉर आस्किंग। आप एक नया चैनल शुरू किया है इजी कुकिंग, उन्हें सब्सक्राइब होने कर लो क्योंकि उसे नए नए डिशेज है जो तुम्हें हाँ जी दवा के बना बना के टाइम पे तुम फिर खा के टेस्ट करके दसो कि बनी है। ईजी कुकिंग ईजी ईजी रेसिपीज। या सो अज की वीडियो हैगी अबाउट मुंबई वर्सेज कराची। आप एक वीडियो देखी सी लास्ट टाइम इस्लामाबाद वर्सेज हिंदी और दिल्ली। हिंदी यस दिल्ली। चलो हो जाता है कई बार, कुछ ना कुछ हो जाता है। सो वो वीडियो च आप काफ़ी इंट्रस्टिंग फैक्ट्स देखे से दोनों सिटीज़ बारे। सो अज देखेंगे मुंबई वर्सेस कराची जो कि एक हब मने जाते हैं बिजनेस के दोनों जो शहर है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज वीडियो प्ले करा। वही ओके गाइस, इन्हों का चैनल जाके सब्सक्राइब करो हमने। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के दो ऐसे शहर हैं जो कि अपने अपने देशों की आर्थिक धड़कन कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, वहीं कराची पाकिस्तान की। आज हम आपको इन दो बड़े शहरों के बीच के अंतर बताएंगे। एरिया के हिसाब से कराची का एरिया 3,780 किलोमीटर स्क्वायर है, वहीं मुंबई की मेगा सिटी 603 किलोमीटर स्क्वायर और मेट्रो सिटी 4,355 किलोमीटर स्क्वायर है। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से कराची की कुल जनसंख्या 1.5 करोड़ है, वही मुंबई की जनसंख्या 2.5 करोड़ है। जीडीपी के हिसाब से कराची की जीडीपी 113 बिलियन डॉलर्स है, वही मुंबई की जीडीपी 368 बिलियन डॉलर्स है। आपको बता दें कि कराची की जीडीपी पाकिस्तान की कुल जीडीपी में 60% योगदान करती है, वहीं मुंबई की जीडीपी भारत की कुल जीडीपी में 33% योगदान देती है। डेंसिटी के हिसाब से क्योंकि इंडिया में और बहुत बड़े शहर हैं, किलोमीटर स्क्वायर है, वहीं मुंबई की 21,000 किलोमीटर स्क्वायर है। जाति और धर्म के हिसाब से कराची में 96.5% मुस्लिम, 2.49% क्रिश्चियन, 0.86% हिंदू है। वहीं मुंबई में 65.99% हिंदू, 20.65% मुस्लिम, 4.85% बुद्धिस्ट, 4.10% जैन, 3.27% क्रिश्चियन, 0.49% सिख और दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बिजी एयरपोर्ट माना जाता है, जहां साल में लगभग 62 लाख पैसेंजर्स का आना जाना रहता है। वहीं मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो यहां दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भारत का दूसरा सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। यहां करीब साल में 4 करोड़ पैसेंजर्स का आना जाना रहता है। दोस्तों, कार्स और बाइक्स की बात करें तो आपको कराची की हर जगह पर होंडा सीडी 70, होंडा सीजी 125, हाँ, बाइक्स है ना ज़्यादा पाकिस्तान पाकिस्तान और होंडा सिविक जैसी कार्स देखने को करोला तो बहुत चलती है सारे कहते हैं। मुंबई की बात करें तो मारुति डिजायर, मारुति अल्टो, मारुति वितारा ब्रेजा, ऑडी Q8 ज्यादा देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, अब कुछ खाने पीने की बात करते हैं। चलो वो खुल गई है। एक मिनरल वाटर बॉटल मुंबई में 14.7 रुपए की मिलती है, वहीं कराची में लगभग 15 भारतीय रुपए की। एक सस्ते हैं यूं कह ले नॉर्मल रेस्टोरेंट में एक आदमी का एक वक्त का खाना मुंबई में औसतन 100 रुपए का मिलता है, वहीं कराची में 140 भारतीय रुपए का मिलता है। मैकडॉनल्ड्स की एक मैकमील की बात करें तो औसतन मुंबई में 250 रुपए में मिलती है, वहीं कराची में 306 भारतीय रुपए में मिलता है। अगर लगभग सेम ही है वो क्योंकि फ्लैट खरीदना है तो पर स्क्वायर मीटर रेट भी जान लो। कराची में सिटी के सेंटर में औसतन पर स्क्वायर मीटर 80,000 भारतीय रुपए है, वही मुंबई में सिटी के सेंटर में औसतन 8 लाख के करीब है। एवरेज मंथली सैलरी एक पर्सन की टैक्स को हटा के
कराची में 16,000 भारतीय रुपए है, वही मुंबई में 55,000 रुपए है। कराची में शहर में ट्रैवल करने के लिए न कोई लोकल ट्रेन्स है, न कोई मोनो रेल या न कोई मेट्रो ट्रेन्स है। वही मुंबई की लोकल ट्रेन्स के बारे में कौन नहीं जानता। बुरा हाल था भाई। मुंबई में लोकल ट्रेन्स और मेट्रोज भी दोस्तों अब बात करते हैं इन शहरों के घूमने फिरने और कुछ फेमस जगहों की। टूरिस्ट अट्रैक्शंस में मुंबई में जहां आप गेटवे ऑफ इंडिया, बांद्रा वर्ली सी लिंक, गोवर्धन इको विलेज, श्री सिद्धि विनायक, हजी अली दरगाह, माउंट मैरी चर्च, नरीमान पॉइंट, मरीन ड्राइव, कन्हेरी केव्स, कोलाबा, जुहू और चौपाटी बीच, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, हैंगिंग गार्डन्स, शिवाजी पार्क, एडलिब्स इमेजिका, वर्सोवा बीच, भेंडी बाजार या फिर चोर बाजार, होटल ताजमहल पैलेस जा सकते हैं। वहीं कराची में नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम, चोरना आइलैंड, मोहटा पैलेस, कायदे आजम हाउस म्यूजियम, टर्टल बीच, चोखंदी टॉम्स, तूबा मस्जिद, पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम, इब्ने कासिम पार्क जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको कौन सा शहर लगा, मुंबई या फिर कराची? ओके गाइस, सो ये सी आज दी वीडियो एक इंटरेस्टिंग थी एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बोथ सिटीज एक्चुअली। सो मैं तो काफ़ी अच्छी लगी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे वो काफ़ी एक्चुअली इंटरेस्टिंग थे, मतलब दिखाई हैं फेमस चीज़ें वो इंटरेस्टिंग थी। यस, और पिंडी बाजार पिंडी बाजार वैसे मैं भी पहली बार सुनया कि मुंबई में पिंडी बाजार है कोई। हाँ जी। ते पर एक गल, कराची दे विच कोई मेट्रो बसेस या मेट्रो ट्रेन या लोकल ट्रेन इदां दा कुछ नहीं है, वो क्यों नहीं है? इस गल ते जरूर ध्यान देना चाहिए, जहाँ तक उत्थे दी जो पॉपुलेशन है वो मतलब खेत्रफल दे अकॉर्डिंग उन्नी कि नहीं है, भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है या जो भी है, पर फिर भी यार सुविधा के साधन तो होने चाहिए हर एक सिटी दे विच, हर एक शहर दे विच। ट्रेन तो जरूरी है, बस होएगी बस, नॉर्मल बसेस तो होनगियां, बट मेट्रो बसेस जो कि स्पेशल सर्विस होती है ना। हाँ जी, समझी, जिवें वड्डे शहर मने आंदा फिर मेट्रो होनी चाहिए। यस, क्योंकि मुंबई तुसी देखो ना सारा जो बॉलीवुड है वो मुंबई में ही तुहानू मिलेगा, तो मेरे ख्याल जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है वो भी शायद कराची में ही है और लाहौर। आई डोंट नो, मैनू थोड़ा कन्फ्यूजन है ये, मेरे ख्याल कराची ही है शायद। Okay. नहीं लाहौर है यार शायद एक्चुअली, क्योंकि लॉलीवुड कहते ना मैं भी, तो बंबई तो बॉलीवुड बनया सी मैं भी यार, मैं गाइस पक्का नहीं पता। सो ये तुसी नीचे कमेंट करके दस दो कि जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है कितों बिलोंग करती है, लाहौर तो कि कराची तो। हाँ जी, ठीक है जी। सो बाकी जो पॉइंट्स की गल करिए तुहानू मतलब की चीज़ वधिया लगी अज दी? बाइक, मुंबई की बाइक वगैरह ज़्यादा अच्छी लगे। हाँ, क्योंकि मुंबई में एक्चुअली जो इंडिया की गल ही कर लीए भी, इंडिया में जो बाइक्स दी बहुत कंपनीज आ जो वक्रिया वक्रिया बाइक्स बना रही हैं, जिमें आए लग रहे ना जिमें शायद हॉन एक ही कंपनी सी, जिमें होंडा सिटी होंडा होंगी है जो कोई होर होंगी बजाज है, तो मतलब उन्होंने जो एक डिजाइन होंगे ना अपने बाइक का वो लगभग सेम लगता पाकिस्तान के सारे बाइक्स का, इदा क्यों है यार ये मैनू नहीं पता क्यों है। हाँ जी, क्योंकि इंडिया में देखिए यार पल्सर है, डिस्कवर है, सी डी डीलक्स हो गए, हायाबुसा हो गए, इदा के कुछ जो दूजे बाइक्स हो गए है ना, यामा दे हो गए। सो पर पाकिस्तान में जो नॉर्मल बंदे लिए बाइक्स है वो इदा के क्यों नहीं है, जो पसंद नहीं करते उतों के, मतलब चक्कर की है? उधर के लोग ही पसंद नहीं करते होने इधर के बाइक्स वगैरह, मे भी यही गल हो सकती है क्योंकि क्योंकि कंपनी तो अपना प्रॉफिट चाहती है, वह तो बेचना चाहेगी शायद, उतो लोगों को पसंद नहीं ना। हाँ जी, ये तुसी कमेंट करके दस्सियो। यस, ये सानू कमेंट करके गाइस तुसी जरूर दस दो। सिक घट ही दसदी है जदों भी दसदी है ना। सिक्स एक्चुअली आप देखा जाए तो पूरी दुनिया में ही जो परसेंटेज है बहुत घट है। हाँ जी, बहुत घट, बट जेकर इन्होंने काम देखिए ना सिखा दे ਤਾਂ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆਇਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ, ਵੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਗਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੁਲਾਓ, ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋ। ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਓ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਤੇ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਰੇ ਬਈ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਖੇਤਰਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ, ਹਨਾ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਇਹ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਹੋ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੈਪਚੈਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਫੋਲੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ। Okay.